हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस खास वीडियो में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानने वाले हैं 2023 में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस को इंडियन रेलवे इनॉग्रेशन की है और ये किस रूट पे अभी चल रही है, और उस रूट को जानेंगे और इसके टाइमिंग को जानेंगे, और ये कम्मा नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस किस रूट पर लॉन्च की गई है सब कुछ जानेंगे, और इनके स्टॉपेज को जानेंगे और कब इसे लॉन्च किया गया था रूट पर। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर हमारे इस वीडियो में आप लोग पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिटेल्स वीडियो दोस्तों को। आप लोग को पता ही है करंट ईयर्स को खत्म होने में भी कुछ दिन ही बाकी है, और यह साल रेलवे के हिसाब से काफ़ी खास रहा है क्योंकि इस साल में इंडियन रेलवे कुल 27 वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च की है, और इस साल के दिसंबर के मध्य तक देश में कुल 34 वंदे भारत एक्सप्रेस को हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाकर की। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से देश की राजधानी दिल्ली के बीच चलती है। तब से लेकर आज तक देश में अलग अलग रूटों पर कुल 34 जोड़े वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो चुकी है, और आने वाले दिनों में लगभग 10 ट्रेन लॉन्च होने वाली है। प्रेजेंट ईयर के दिसंबर के मध्य तक करीब 27 वंदे भारत एक्सप्रेस को इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया। तो चलिए जानते हैं 27 वंदे भारत एक्सप्रेस के खास बातों को। दोस्तों, हमारा पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम वाली। सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस 8वीं नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है, और इसे 15 जनवरी 2023 को उद्घाटन किया गया था। यह रविवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलती है। यह ट्रेन 690 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 30 मिनट में तय करती है। सिकंदराबाद जंक्शन से प्रस्थान दोपहर 3 बजे करती है, और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आगमन रात्रि के 11 बजे होती है, और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से प्रस्थान ये 5:45 में करती है, और सिकंदराबाद जंक्शन को आगमन दोपहर 2:05 पर होती है। ट्रेन का स्टॉपेज वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा जंक्शन और राजमुंदरी है। दूसरे नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस है मुंबई टू सोलापुर वाली। इस रूट के लिए 9वीं ट्रेन का उद्घाटन किया गया था और 10 फरवरी 2023 को हुआ था। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलती है। यह ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी 6:35 में तय करती है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से यह गाड़ी शाम के 4:05 में प्रस्थान करती है, और सोलापुर आगमन हो जाती है 10:40 में। सोलापुर से प्रस्थान यह गाड़ी 6:05 सुबह में करती है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये पहुंच जाती है दोपहर 12:35 में। इसका मुख्य स्टॉपेज है दादर, कल्याण, पुणे और कुंद्रवाड़ी। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से सिडनी वाली है, और ये 10वीं ट्रेन मुंबई और सिडनी के बीच शुरू की गई थी, और इसका उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को किया गया था। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस 340 किलोमीटर की दूरी 5:24 में तय करती है। मुंबई से प्रस्थान करने का समय है 6:20 में, और साईनगर सिडनी आगमन हो जाती है 11:40 में, और साईनगर सिडनी से यह गाड़ी प्रस्थान करती है 5:25 पे, और मुंबई पहुंच जाती है 10:50 पर। इसका मुख्य स्टॉपेज है दादर, थाने और नासिक रोड। इस वंदे भारत एक्सप्रेस के लिस्ट में हम चौथी वंदे भारत को जिक्र कर लेते हैं जो भोपाल से नई दिल्ली के बीच है। 11वीं वंदे भारत ट्रेन जो भोपाल और नई दिल्ली के बीच चली थी। इस ट्रेन का उद्घाटन 1 अप्रैल 2023 को हुआ था। यह शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन 7:45 में 708 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से यह 5:40 में प्रस्थान करती है, और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यह 1:10 पे चली जाती है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से यही गाड़ी 2:40 में छूटती है, और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 10:10 में पहुंच जाती है। इसके मुख्य स्टॉपेज में आगरा, छावनी, ग्वालियर और बीरांगना लक्ष्मी भाई झांसी है। पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद और तिरुपति का है। इस रूट के लिए 12वीं ट्रेन शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन 8 अप्रैल 2023 को किया गया था। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन 661 किलोमीटर की दूरी 8:30 में तय करती है। सिकंदराबाद जंक्शन से यह 6:00 प्रस्थान करती है, और तिरुपति रेलवे स्टेशन 2:30 में पहुंच जाती है। यही गाड़ी तिरुपति रेलवे स्टेशन से 3:15 दोपहर में छूटती है, और सिकंदराबाद रेलवे जंक्शन 11:45 पे रात में पहुंच जाती है। इनके मुख्य स्टॉपेज का बात करूं तो नलगोंडा, गंडूर,
अंगूल और नन्नौर इस वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मुख्य रेलवे स्टेशन है। छठी वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई टू कोयम्बटूर की बात कर लेते हैं। चेन्नई टू कोयम्बटूर मार्ग पर चलने वाली ये 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 8 अप्रैल 2023 को किया गया था। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन 495 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा 50 मिनट में तय करती है। कोयम्बटूर जंक्शन से यह गाड़ी सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और MGR चेन्नई सेंट्रल पहुँच जाती है 11:50 सुबह में। MGR चेन्नई सेंट्रल से यही वंदे भारत एक्सप्रेस 2:25 दोपहर में खुलती है और कोयम्बटूर जंक्शन चली जाती है रात्रि के 8:15 पे। इनके मुख्य स्टॉपेज तिरुपुर, इरोड और सेलम है। और 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली टू अजमेर है। इस मार्ग के लिए 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 13 अप्रैल 2023 को किया गया था। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट में 428 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अजमेर जंक्शन से यही गाड़ी सुबह में 6:20 प्रस्थान करती है और दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन पर सुबह में 11:30 पे पहुंच जाती है। लौटते वक्त ये वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन से शाम के 6:40 पर प्रस्थान करती है और अजमेर जंक्शन रात्रि के 11:55 पे पहुंच जाती है। इनके मुख्य स्टॉपेज में जयपुर, अलवर और गुरुग्राम पे रुकते हुए ये गाड़ी कवर कर लेती है। और हमारी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम से कासरगोड वाली है। इस रूट के लिए 15वीं ट्रेन का उद्घाटन 25 अप्रैल 2023 को किया गया था। यह गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन 501 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा 30 मिनट तय करती है। कासरगोड रेलवे स्टेशन से दोपहर में 2:30 यह वंदे भारत एक्सप्रेस छूटती है और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल ये 10:45 पर रात्रि में पहुंच जाती है और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से यह प्रस्थान करती है सुबह में 5:20 पर और कासरगोड रेलवे स्टेशन दोपहर के 1:25 पहुंच जाती है। इनके मुख्य स्टॉपेज में कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूल और सोनूर और कोझिकोड और कुन्नूर है। 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा टू पुरी वाली है। इस रूट के लिए 16वीं ट्रेन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था। यह गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस 500 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा 30 मिनट में तय करती है। हावड़ा जंक्शन से यह प्रस्थान करती है सुबह में 6:10 पे और पुरी रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है दोपहर में 12:35 पे और पुरी रेलवे स्टेशन से यही गाड़ी प्रस्थान करती है दोपहर में 1:50 पे और हावड़ा जंक्शन हो जाती है रात्रि के 8:30 पे। इन गाड़ी का मुख्य स्टॉपेज है हावड़ा और पुरी के बीच खड़गपुर, वालासोर, भद्रक, जहाजपुर, क्यूझर रोड और कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन। 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून दिल्ली वाली है। इस मार्ग के लिए 17वीं ट्रेन का उद्घाटन 25 मई 2023 को किया गया था। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है और 302 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा 45 मिनट में तय करती है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से यह गाड़ी डिपार्ट लेती है शाम में 5:50 पे और देहरादून टर्मिनल अराइवल हो जाती है रात्रि में 10:45 पे और देहरादून रेलवे स्टेशन से यह गाड़ी मॉर्निंग में 7 प्रस्थान करती है और आनंद विहार रेलवे स्टेशन अराइव हो जाती है सुबह में 11:45 पे। इनके मुख्य स्टॉपेज में मेरठ सिटी आती है, मुजफ्फरपुर आती है, सहारनपुर और रुड़की और हरिद्वार। 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी का बात कर लेते हैं। इस मार्ग के लिए 18वीं ट्रेन का उद्घाटन 29 मई 2023 को किया गया था। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 5 घंटा 30 मिनट में 411 किलोमीटर की दूरी तय करती है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से यह प्रस्थान करती है 6:10 सुबह में और गुवाहाटी आगमन हो जाती है दोपहर के 11:40 पे। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से यही गाड़ी प्रस्थान करती है 4:30 पे और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आगमन रात्रि के 10 हो जाती है। इनके मुख्य स्टॉपेज का बात करूँ तो न्यू कूच बिहार, न्यू अलीपुर द्वार, कुरझारपुर, न्यू बोगाईगांव और कामाख्या इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। हमारी 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था मुंबई टू गोवा रूट पे। मुंबई और गोवा के बीच चलने वाली ये 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 27 मई 2023 को हुआ था। यह मानसून के दौरान सप्ताह में 3 चलती है और यह ट्रेन 586 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। मुंबई से यह गाड़ी प्रस्थान करती है सुबह में 5:25 में प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को और मडगांव रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है दोपहर में 3:00। मडगांव जंक्शन से यह गाड़ी प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को दोपहर में 12:20 में खुलती है और मुंबई पहुंच जाती है 10:25 पे। इनके मुख्य स्टॉपेज में दादर आते हैं, थाने, पनवेल, खेड़, रत्नागिरी, कंकावली और थिवीम आते हैं।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट में 13वें वंदे भारत एक्सप्रेस है बेंगलोर हुबली धारवाड़ बेलागवी। बेंगलोर हुबली धारवाड़ बेलागवी के बीच चलने वाली 20वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 27 जुलाई 2023 को हुआ था। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है और यह ट्रेन 610 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा 45 मिनट में तय करती है। KSL बेंगलोर से यह प्रस्थान सुबह में 5:45 में करती है और बेलागवी रेलवे स्टेशन में पहुँच जाती है दोपहर में 1:30 पर। बेलागवी रेलवे स्टेशन से यह गाड़ी दोपहर में 2 प्रस्थान करती है और KSL बेंगलोर पहुँच जाती है रात में 10:10 पे और स्टॉपेज है यशवंतपुर दावन गिर्रे SS हुबली। 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस पटना टू रांची वाली है। पटना और रांची के बीच चलने वाली 21वीं वंदे भारत का उद्घाटन 27 जुलाई 2023 को हुआ था। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चली थी। यह ट्रेन 379 किलोमीटर की दूरी करीब 5 घंटे में तय करती है। पटना जंक्शन से यह गाड़ी सुबह में 7 डिपार्ट लेती है और रांची जंक्शन दोपहर के 1 अराइव हो जाती है और रांची जंक्शन से यह गाड़ी इवनिंग में 4:15 पे डिपार्ट लेती है और पटना जंक्शन यह गाड़ी रात में 10:05 पे पहुंच जाती है। इनके मुख्य स्टॉपेज में गया आते हैं कोडरमा हजारीबाग बड़का काना और मेसरा पे रुकते हुए गाड़ी अपनी दूरी को तय करती है। इस लिस्ट के 15वें नंबर के वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो भोपाल इंदौर के आते हैं। यह गाड़ी 22वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगा और 27 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। यह रविवार को छोड़कर 6 दिन चलती है और 218 किलोमीटर की दूरी करीब 3 घंटा में तय करती है। भोपाल जंक्शन से यह गाड़ी शाम में 7:25 पर प्रस्थान करती है। इंदौर जंक्शन पहुंच जाती है रात्रि में 10:31 पे। इंदौर जंक्शन से यह गाड़ी लौटते समय सुबह में 6:30 पर खुलती है और भोपाल जंक्शन पहुंच जाती है मॉर्निंग में 9:35 में। इनके मुख्य स्टॉपेज में ट्रेन उज्जैन में रुकती है और इस साल की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल टू जबलपुर वाली है और भोपाल टू जबलपुर के बीच चलने वाली यह वंदे भारत एक्सप्रेस 23वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 27 जुलाई 2023 को हुआ था। यह 9 वंदे भारत एक्सप्रेस की सीरीज का एक ये भी हिस्सा है और मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन 330 किलोमीटर की दूरी करीब 4 घंटा 35 मिनट में तय करती है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से यह वंदे भारत एक्सप्रेस प्रस्थान करती है शाम में 7 और जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है रात्रि में 11:35 पे। जबलपुर रेलवे स्टेशन से यह लौटते वक्त प्रस्थान करती है सुबह में 6 और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है सुबह में 10:35 में। इनके मुख्य स्टॉपेज में नारदापुरम रुकती है, इटारसी, पिपरिया और नरसिंहपुर रुकती है। दोस्तों 17 नंबर के वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर और लखनऊ वाली है। गोरखपुर लखनऊ के बीच चलने वाली ये 24वीं वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 7 जुलाई 2023 को हुआ था। शनिवार को छोड़कर यह सप्ताह में 6 दिन ये चलती है। ट्रेन 300 किलोमीटर की अधिक दूरी 4 घंटा 15 मिनट में तय करती है। गोरखपुर जंक्शन से प्रस्थान सुबह में 6:05 में करती है और लखनऊ पहुंच जाती है सुबह में 10:20 पे। लखनऊ NR से प्रस्थान करती है शाम में 7:15 पे और गोरखपुर जंक्शन आगमन हो जाती है रात्रि में 11:35 और इसके मुख्य स्टॉपेज में अयोध्या और बस्ती आती है। अब आती है हमारी 18वीं नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस जो जोधपुर और साबरमती को कनेक्ट करती है। जोधपुर और साबरमती के बीच चलने वाली ये 25वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी और 7 जुलाई 2023 को इसका भी उद्घाटन किया गया था। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 7 दिन चलते हैं। यह ट्रेन 440 किलोमीटर से अधिक की दूरी करीब 6.5 घंटा में तय करती है और जोधपुर जंक्शन से यह गाड़ी सुबह में 6 प्रस्थान करती है और साबरमती जंक्शन यह दोपहर में 12:30 में पहुंच जाती है। साबरमती जंक्शन से यह गाड़ी प्रस्थान करती है शाम में 4:45 पे और जोधपुर जंक्शन पर आगमन हो जाती है रात्रि में 10:45 पे। उनके मुख्य स्टॉपेज पारी, मारवाड़, फालना, अबू रोड, पालनपुर जंक्शन और मेहसाना जंक्शन है। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और बात करते हैं यहाँ पे 19वीं नंबर के वंदे भारत एक्सप्रेस जो उदयपुर से जयपुर के बीच चली थी। ये उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली 26वीं नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है और इनका उद्घाटन 24 सितंबर 2023 को हुआ था। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 435 किलोमीटर की दूरी करीब 6 घंटा 15 मिनट में तय करती है। उदयपुर शहर से प्रस्थान करती है 7:50 पे और जयपुर जंक्शन पहुंच जाती है दोपहर में 2:05 पे। जयपुर जंक्शन से प्रस्थान करती है दोपहर में 3:45 पे और उदयपुर शहर पहुंच जाती है रात्रि में 10। स्टॉपेज में राणा प्रताप नगर,
मलावी जंक्शन, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर जंक्शन और किशनगढ़ आते हैं। इस नंबर के वंदे भारत एक्सप्रेस जो काचीगुड़ा से यशवंतपुर के बीच चलाई गई थी, काचीगुड़ा हैदराबाद और यशवंतपुर बेंगलोर के बीच चलने वाली ये 27वें वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 24 सितंबर 2023 को हुआ था और ये बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन 609 किलोमीटर की दूरी करीब 8.5 घंटा में तय करती है। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से प्रस्थान 5:30 में करती है और यशवंतपुर जंक्शन दोपहर में 2 बजे पहुंच जाती है। इनके मुख्य स्टॉपेज में महबूब नगर, कुन्नूर सिटी, अनंतपुर और धर्माबर जंक्शन आते हैं। 21वें नंबर के वंदे भारत एक्सप्रेस कासरगोड तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं। कासरगोड तिरुवनंतपुरम के बीच चलने वाली ये 28वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 24 सितंबर 2023 को हुआ। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। वंदे भारत ट्रेन 573 किलोमीटर की दूरी लगभग 8:50 में तय करती है। कासरगोडा रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी प्रस्थान करती है 7 बजे मॉर्निंग में और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पहुंच जाती है दोपहर में 3:05 पे और तिरुवनंतपुरम से यही वंदे भारत एक्सप्रेस शाम में 4:05 में प्रस्थान करती है। कासरगोड रेलवे स्टेशन रात्रि में 11:55 में पहुंच जाती है। इनके मुख्य स्टॉपेज में कन्नूर आती है, कोझिकोड आती है, सेरानूर आती है, तिरूर आती है, त्रिशूर आती है, एर्नाकुलम, अल्ला पुंजुहा और कोल्लम आती है। 22वीं नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुनेलवेली और चेन्नई के बीच चलाई गई थी। तिरुनेलवेली और चेन्नई के बीच चलने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस 29वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी और 24 सितंबर 2023 को इन वंदे भारत एक्सप्रेस को उद्घाटन किया गया था। यह वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन करीब 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है 7:50 में और तिरुनेलवेली जंक्शन से प्रस्थान करती है मॉर्निंग में 6 बजे। चेन्नई एगमोर पहुंच जाती है दोपहर में 1:50 पे और चेन्नई एगमोर से यही वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर में 2:50 में खुलती है और तिरुनेलवेली जंक्शन आगमन हो जाती है रात में 10:40 पे। इन एक्सप्रेस का मुख्य स्टॉपेज है बिरुदूर नगर जंक्शन, मदुरे जंक्शन, डंडीगुल जंक्शन और तिरुचिरापल्ली बिल्लुपुरम जंक्शन और ताबरम शामिल होते हैं। दोस्तों 23 नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है विजयवाड़ा चेन्नई चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। विजयवाड़ा और चेन्नई के बीच चलने वाली ये 30वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 24 सितंबर 2023 को किया गया था और मंगलवार को छोड़कर ये गाड़ी सप्ताह में चलती है और ट्रेन ये हिसाब से 516 किलोमीटर की दूरी 6:40 तय करती है। विजयवाड़ा जंक्शन प्रस्थान करती है ये सुबह में 5:30 पे और MGR चेन्नई सेंट्रल पे ये पहुंच जाती है दोपहर में 12:10 पे और MGR चेन्नई सेंट्रल से ये गाड़ी प्रस्थान करती है दोपहर में 3:20 पे और विजयवाड़ा जंक्शन पहुंच जाती है 10 बजे। इनके मुख्य स्टॉपेज की बात करें तो तेनाली जंक्शन पर रुकती है, ओंगोल में रुकती है, लेनोर और रेणुगुंडा जंक्शन पर रुकती हुई अपने स्टॉपेज को ये कवर करती है। दोस्तों अब आती है हमारे 24वीं नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस जो जामनगर अहमदाबाद के बीच चली थी। जामनगर और अहमदाबाद के बीच चलने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस 31वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ था और 24 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन 330 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और जामनगर रेलवे स्टेशन से यह सुबह में 5:30 प्रस्थान करती है और अहमदाबाद रेलवे जंक्शन यह पहुंच जाती है सुबह में 10:10 पे और अहमदाबाद जंक्शन से यही गाड़ी उठते वक्त प्रस्थान करती है शाम में 5:55 पे और जामनगर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है 10:35 पे रात्रि में। वंदे भारत एक्सप्रेस के मुख्य स्टॉपेज है राजकोट, वांकानेर जंक्शन, सुरेंद्र नगर, वीर मांगला जंक्शन और सांबंद और साबरमती जंक्शन। और हमारी इस लिस्ट में 25वें नंबर के वंदे भारत एक्सप्रेस है पूरी राउरकेला वाली। तो पूरी राउरकेला के बीच चलने वाली ये 32वीं नंबर के वंदे भारत एक्सप्रेस है और इसका उद्घाटन 24 सितंबर 2023 को हुआ था। यह शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को 505 किलोमीटर की दूरी 7:45 में तय करना होता है। पूरी रेलवे स्टेशन से यह सुबह में 5 बजे प्रस्थान करती है और राउरकेला जंक्शन दोपहर में 12:45 पहुंच जाती है और लौटते वक्त राउरकेला जंक्शन से यही वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर में 2:10 में प्रस्थान करती है और पूरी स्टेशन पे रात्रि में 9:40 में पहुंच जाती है। और यह वंदे भारत एक्सप्रेस खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, ढोकनाल, तालचेल रोड, अंगूल, रायखोला और समलपुर सिटी और झारसुगुड़ी पर रुकती है। अगला वंदे भारत एक्सप्रेस है 26 नंबर के जो रांची से हावड़ा के बीच चली थी। रांची और हावड़ा के बीच चलने वाली ये
33वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 24 सितंबर 2023 को हुआ। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 7 घंटे में दूरी तय करती है। रांची जंक्शन से प्रस्थान करती है सुबह में 5:15 पर और हावड़ा जंक्शन पर पहुंच जाती है दोपहर में 12:20 पर। हावड़ा जंक्शन से प्रस्थान करने का समय है दोपहर में 3:45 पर और रांची जंक्शन पहुँच जाती है रात्रि में 10:50 पर। इनके मुख्य स्टॉपेज में मुरी आती है, कोटशिला, पुरुलिया जंक्शन और चांदेल जंक्शन, टाटा नगर जंक्शन और खड़गपुर जंक्शन को कवर करती है। तो इस ईयर्स में आखिरी बार जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी ये 27वें नंबर के वंदे भारत एक्सप्रेस पटना हावड़ा को चलने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। पटना और हावड़ा के बीच चलने वाली ये 34वीं नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 24 सितंबर 2023 को हुआ था। बुधवार को छोड़कर यह सप्ताह में 6 दिन चलती है और यह ट्रेन 532 किलोमीटर की दूरी 6:35 में तय करती है। पटना जंक्शन से यह सुबह में 8 बजे प्रस्थान करती है और हावड़ा जंक्शन दोपहर में 2:35 पहुंच जाती है। हावड़ा जंक्शन से यही वंदे भारत एक्सप्रेस लौटते समय दोपहर में 3:50 में प्रस्थान करती है और पटना जंक्शन पर रात्रि में 10:40 पहुंच जाती है। यह पटना से है मोकामा जंक्शन, लखीसराय जंक्शन, जसीडीह जंक्शन, जामतारा, आसनसोल जंक्शन और दुर्गापुर जंक्शन पर रुकती हुए ये डिस्टेंस को कवर करती है। तो दोस्तों अभी तक 2023 में 27 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा हो चुका है और दिसंबर के आखिरी में 10 और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल सकती है। तो देखते हैं दिसंबर मंथ में कितनी टोटल वंदे भारत एक्सप्रेस को इनॉग्रेट होती है। तो आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। तो गाइस इस तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।